न्यूक्लियर प्रोसेस को समझने के लिए थोड़ी सी उसकी जो बेसिक बिहाइंड उसके साइंस जो उसके पीछे ना उसको समझना पड़ेगा बड़े बहुत ही आसान सी चीज़ है कोई इतना इतनी बड़ी गंभीर चीज़ नहीं है जो जिन्होंने जो बड़े बड़े लोग थे अपन हायमर एनरी फर्मी उन्होंने काफ़ी सारा काम किया हुआ है तो हम लोगों की समझ में सारा आसानी से आ जाता है तो वो जिस हद तक के हमें समझना है ना इस कोर्स के लिए वो बहुत ही बेसिक चीज़ें जो मैं आपको समझाऊंगा तो ये आपको इक्वल टू एम सी स्क्वायर का तस्कर तो मैंने दो तीन मरतबा ऑलरेडी कर लिया उसको अगर आप उसमें नंबर डालें ना तो आप, आप जो सी जो है वो वो है स्पीड ऑफ साउंड जो आप ये देखें कितना थ्री हंड्रेड थाउजेंड किलोमीटर्स पर सेकेंड थ्री हंड्रेड थाउजेंड किलोमीटर एक लाख छियासी हजार मील पी घंटा जो कहते हैं ना उसको आप स्क्वायर करें तो कितना बड़ा नंबर हो गया अब आप देख रहे हैं स्लाइड के अंदर के कितना बड़ा वो नंबर है उसको फिर आप मास से ज़रब दे दें तो एक छोटा सा एक ग्राम भी कोई चीज हो ना और कोई भी चीज़ हो यूरेनियम हो लोहा हो पत्थर हो कोई भी चीज है उसका एक ग्राम जो है ना उसकी आप देखें एनर्जी कितनी है थर्टी टन ऑफ टी एन टी थर्टी टन ऑफ टी एन टी एक ग्राम की उसमें तो वो जो न्यू और हिरोशिमा की बातें कर रहा था जिसमें पाँच पाँच दस दस किलोग्राम यूरेनियम और प्लेटेनियम था उसकी जो थी वो बीस हजार टन ऑफ टी एन टी पाउडर के बराबर थे बीस हजार टन टी एन टी पाउडर ये जो बड़े बड़े बाम होते हैं ना वो कितने तो हज़ार पाउंड के होते हैं ज़्यादा ज़्यादा अब ये बीस हज़ार टन उनकी एक छोटे से एक बाम के अंदर वो आपने देखा था फैट बॉय और वो जो थे उनकी साइज़ क्या थे वो इतने बहुत छोटे छोटे बाम थे लेकिन कितनी ज़्यादा उसमें एनर्जी निकलती तो ये यही सारा काम है अगर आप देखें ना फोर्सेज जो हैं जो न्यूक्लियर के अंदर जो फोर्स हैं अब न्यूक्लियस में क्या है न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन बाहर है ना अंदर प्रोटॉन है दो ही दो ही चार्ज पार्टिकल होते हैं ना एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक, 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 एक प्रोटोन न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है प्रोटॉन में सारा पॉजिटिव चार्ज है अब वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा न्यूक्लियस का साइज उस छोटे न्यूक्लियस में सारे पॉजिटिव चार्ज मौजूद हैं वो कैसे बाउंड हुए हैं पॉजिटिव सारे के सारे पॉजिटिव 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 रिपेल नहीं करते तो ये जो न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर में जो वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती है ना उनके इतना उसमें एनर्जी होती है कि जब न्यूक्लियस फटता है तो उसमें से बेतहाशा एनर्जी निकल के उसमें से आती है तो ये वो वो एनर्जी है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं एज ए रिएक्टर के अंदर जिसमें भी आपको काम करना हो तो अब इसका साइज देखें आप एक मॉड्यूल में मैंने आपको एक, एक लिंक दिया था कि जो साइज को बता रहा था जीरो से ले एक आदमी के पूरे साइज से लेके टेन टू 19 10 टू दी, दी वन बहुत बड़ा साइज और नीचे भी टेन टू माइनस नाइन टेन टू ट्वेंटी टू वो पूरा दोनों साइज की उस उसमें अगर आप जाके दोबारा देखें तो आपको अंदाजा होगा कि कितना फर्क होता है तो अब एक आदमी की साइज से लेके चलें तो जो हमारा ब्लड सेल है वो सेवन सेवनटी थाउजेंड छोटा है उससे ब्लड सेल सेवेंटी थाउजेंड हमारे उस हिसाब से अभी इन नंबर को आप देखें जीरो को काउंट करते रहें तो सारी जिंदगी जीरो काउंट करने में गुजर जाएगी जब छोटे नंबर पर बात पहुंचेगी तो वो इस, इसका सारी इसका मकसद ये है कि आप उसको एटम में देखें एटम के टू टेन नैनोमीटर टाइप की चीज़ों में से आ जाता है टेन टू माइनस यू नो इसका मतलब है कि कितना छोटा हो गया अब शायद अंदाज़ा होगा आप वो जो देखें सारे जीरोज उसके अंदर और प्रोटॉन तो उसके अंदर भी है ना वॉल्यूम जो है एटम का वो ज़्यादा ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन से होता है जो साइज़ होता है ना वो एटम वो चूँकि इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होते हैं इस वजह से उनकी वजह से होता है न्यूट्रॉन तो बिल्कुल छोटा सा अंदर कंडेंस्ड होता है तो वो तो बहुत ही छोटा हुआ वो देखें तीन छः नौ बारह पंद्रह टेन टू माइनस फिफ्टीन मीटर तक के वो बात पहुंच जाती है तो बहुत ही छोटी से छोटे से उसमें हर एक उसमें इतनी सारी एनर्जी क्योंकि बहुत सारा रिपल्शन को करना पड़ता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन को कवर करना पड़ता है तो उसकी वजह से उसमें बहुत सारी वो बहुत छोटी सी चीज में बहुत सारी एनर्जी है ये कहानी है तो उसको अगर आप ब्रेकअप करेंगे किसी तरीके से तो वो बढ़ जाएगी अब अब क्या होता है बढ़ने का क्या मकसद क्या हुआ अब प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है ठीक है ना और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है प्रोटॉन पॉजिटिव प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वो चार्ज को बैलेंस करते हैं किसी भी चीज़ की ये जो है ये न्यूट्रल है उसकी न्यूट्रल की होने की वजह यह कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है दोनों बराबर के नंबर नम, में बराबर हैं ठीक है थीके? अगर कार्बन है तो उसके छः प्रोटॉन और छः न्यूट्रॉन है ठीक ऑक्सीजन है तो उसके आठ इलेक्ट्रॉन और आठ प्रोटॉन ठीक है न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है तो न्यूक्लियर न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती कि जितने इलेक्ट्रॉन हो उतने ही प्रोटॉन और न्यूट्रालिटी के लिए तो वो अलग से चीज़ है मास जो है जो वेट जो इन इन चीज़ों का होता है वो सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में होता है इलेक्ट्रॉन का असेंशली कोई मास नहीं होता होता तो है लेकिन आप देखें एक बटे दो हज़ार के करीब वो उसका इलेक्ट्रॉन का मास कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो मास जो है वो सारा का सारा न्यूट्रॉन में है चार्ज जो है वो काफ़ी सारा इलेक्ट्रॉन में है मास जो है वह सारा का सारा न्यूट्रॉन के अंदर है तो ये कंडीशन है इसको करने की तो इन कंडीशन को अगर लेख के चले ना तो दो चीज़ें होती हैं एक होता है एटॉमिक नंबर और एक होता है एटॉमिक वेट वो समझना पड़ेगा आसान सी चीज़ें कोई इतना मुश्किल नहीं है अब चूंकि न्यूट्रल न्यूट्रालिटी की कंडीशन है हर चीज़ न्यूट्रल है नेचर जो पसंद नहीं करती न्यूट्रल नॉन न्यूट्रल को तो वो न्यूट्रॉ न्यूट्रेलिटी की कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन uh, का नंबर बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस नंबर को जो कहते हैं उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर जो z के तो, z के तौर से दिखाया जाता है तो एटॉमिक नंबर जैसे हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है बस उसमें यही होता है कोई न्यूट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक तो इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर वन हो गया या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देख लें या नंबर ऑफ प्रोटॉन को देख लें दोनों में से कोई भी चीज़ दोनों बराबर हैं तो कोई भी चीज़ देख लें कार्बन का बताया मैंने ऑक्सीजन आठ इलेक्ट्रॉन और आठ प्रोटॉन उसके अंदर हो जाते हैं और कार्बन सिक्स है सिक्स इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन सेवन है सेवन इलेक्ट्रॉन और सेवन प्रोटॉन हो जाते हैं और वो नीचे वाले जैसे कार्बन सिक्स है उसके उल्टे हाथ पे नीचे लिखा जाता है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है ठीक है एटॉमिक नंबर तो आसान है समझना मास uh, नंबर जो है मास चूंकि वेट की बात हो रही है मास नंबर का मतलब ये कि जितना भी प्रोटॉन और और न्यूट्रॉन का वेट मिला के है ना एटॉमिक नंबर में तो या ये या वो इसमें दोनों को मिला के जो टोटल होगा वो एटॉमिक मास बनेगा उसका क्योंकि सारा मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में होता है ना तो दोनों को ऐड करना पड़ता है तो दोनों का अगर ऐड करें जैसे तो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन तो में क्यूं? एक प्रोटॉन है कोई न्यूट्रॉन नहीं है प्रोटॉन होना जरूरी है क्यों क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज न्यूट्रल करने के लिए एक प्रोटॉन है लेकिन न्यूट्रॉन की कोई कंडीशन नहीं है कि कितने होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए तो हाइड्रोजन में कोई प्रोटॉन नहीं है तो इसका हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास जो है वो है एटॉमिक नंबर वन है एटॉमिक मास जो है वन है प्योर नॉर्मल हाइड्रोजन हाइड्रोजन के आइसोटोप से जो है मैं अभी बताऊंगा कि उसका मतलब क्या होता है अब वो हीलियम जो है हीलियम का एटामिक नंबर दो है इसका मतलब ये कि दो उसमें इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब दो इसमें प्रोटॉन भी है ठीक है ना तो और इसमें दो न्यूट्रॉन भी हैं तो हाइड्रोजन का वो कंडीशन नहीं है कि हीलियम के इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बराबर हो लेकिन वो दो और दो मिला के वो चार हो जाते हैं तो एटॉमिक मास जो है वो चार है एटॉमिक नंबर जो है वो दो है ठीक है ये नॉर्मल कंडीशन में होता है अब ये भी हो सकता है कि क्योंकि न्यूट्रॉन की कोई कंडीशन नहीं है कि कितने न्यूट्रॉन होने चाहिए कितने न्यूट्रॉन नहीं, नहीं होने चाहिए कभी ज़्यादा हो जाते हैं न्यूट्रॉन जैसे कार्बन कार्बन सी सिक्स है तो इसका मतलब सी ट्वेल्व होना चाहिए ना छ और छः छः न्यूट्रॉन छः प्रोटॉन अगर वो कंडीशन हो तो सी ट्वेल्व होना चाहिए लेकिन कार्बन का एटॉमिक मास जो है सी ट्वेल्व भी हो सकता है सी थर्टीन भी हो सकता है सी फोर्टीन भी हो सकता है इसका मतलब या बारह जो या न्यूट्रॉन्स जो है उसके नंबर जो है वो मुख्तलिफ होते चले जाते हैं ठीक है अब वो कम अज कम छः तो जरूरी हैं, ठीक है, है? चार्ज बैलेंस करने के लिए क्योंकि मास नंबर जो है एटामिक नंबर जो है वो छः है तो कम अज कम छः जरूरी है लेकिन छः न्यूट्रॉन छः होना ज़रूरी नहीं है छः भी हो सकते हैं सात भी हो सकते हैं आठ भी हो सकते हैं तो उन दोनों को मिला लें तो कार्बन थर्टीन कार्बन फोटीन कार्बन फिफ्टीन ये जो हम रेडियो डेटिंग कहते हैं ना जिससे पता करते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है वो सी 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 ट्वेल्व सी थर्टीन सी थर्टीन और सी ट्वेल्व के रेशो को देख के पता करते हैं कि उ, उसमें कितना बचा है सी थर्टीन वो मैं आगे जाके एक उसमें समझाऊंगा कि वो कैसे उसको इस्तेमाल किया जाता है तो ये जो चीज़ें हैं कि एटॉमिक uh, नंबर और एटॉमिक मास इनके अच्छी तरीके से समझ लें कि इनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं और ये कि न्यूट्रॉन जो है वो बिल्कुल चूँकि न्यूट्रॉन है उसके नंबर जो है उस पर अफेक्ट नहीं पड़ता जब अब यूरानियम नाइन्टी की बात करेंगे ना एटॉमिक नंबर उसका नाइन्टी है तो उसका मास नंबर जो है काफ़ी हो सकता है नाइन्टी तो ज़रूरी है उसके अलावा उसको ऐड कर लें जितने भी आ, उसमें न्यूट्रॉन ऐड करना चाहिए तो वो एटॉमिक नंबर और एट मास नंबर को ज़रा अच्छी तरीके से समझ लें